भर्ती कर दिया भाई, देखो लो टीम बेड पे। और भाई एडमिट करा दिया और काफ़ी मतलब हालत ख़राब है। तो सबका स्वागत हमारे एक और न्यू व्लॉग में दोस्तों। तो भैया आज का हमारा ये जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है फिलहाल कानपुर से। तो अब मैं कानपुर में आ गया हूँ और कल आया था, ठीक है। तो फिलहाल आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा वीडियो शूट करने, यानी कि इधर जा रहा हूँ मोती झील तरफ जा रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ शूट वूट करने, कुछ रील वील बनाने जा रहा हूँ, उसके पर्पज़ जा रहा हूँ। तो ये पार्क है, बहुत बढ़िया पार्क है घूमने उमने वाला, तो उसी तरफ जा रहा है। और ये जो सामने मार्केट दिखाई दे रही है, ये अपनी शास्त्री नगर की मार्केट है, ठीक है। तो हम लोग अभी शास्त्री नगर के मार्केट में खड़े हैं। इस तरफ भी भैया देख लो दुकान है, इस तरफ भी पूरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, बीच में एक आध मेडिकल की दिखाई देगी। तो इस तरफ से हम आए थे, बैक साइड से आगे जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से आए थे, तो इधर से विजयनगर पड़ता है। तो फिलहाल आपको जाना सीधे यहाँ की ओर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि भैया आज का व्लॉग कैसा होता है। वैसे आज का व्लॉग भी बड़े ज़बरदस्त ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से सीधे पहुँचते हैं मोती झील, तो चलिए चलते हैं। Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a fire. चलिए आ गए सीधे मोती झील। और अभी ये देखो मोती झील के बाहर का नज़ारा, पहले भी कई बार दिखा चुके हो, ये खाने पीने का सारा प्रोग्राम रहता, आओ खाओ पियो अंदर चलते, इसी के अंदर करना अपना शूट वूट होना जो कुछ होना है। तो ये अपना रखा है जो प्रोग्राम, मतलब ट्राइपॉड, क्योंकि भैया कोई लड़का वड़का तो है नहीं साथ में, तो वही बस इसको हम यूज कर लेते, इस पर लगाते कैमरा, और कैमरा लगाने के बाद बस लेके माइक खड़े हो जाते हैं और पकड़ पकड़ के मतलब रील वील शूट करनी होती वो भी शूट हो जाता, और वैसे इंटरव्यू करना होता या फिर कुछ भी करना होता कि किसी से बात करनी होती, तो ये होता कि अकेले रहते ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिलहाल यहाँ पे खाने पीने का आइटम बहुत मिल जाएगा यहाँ पे, यार 12 महीने आप लोगों को भैया कुछ ना कुछ 12 महीने घूमने फिरने के लिए। एक ये पार्क हो गया, एक आगे इस तरफ भी जाओगे ना तो इस तरफ भी एक और पार्क पड़ता है। चलो फिलहाल हम लोग चलते हैं अंदर और लेते हैं टिकट। भाई फिलहाल अभी आ गए हैं अंदर, अभी देख रहा भैया स्थान की कौन से स्थान पे, यहाँ पर देखो कितनी तगड़ी तगड़ी वाली धूप है, और इस तरफ भी मेरे को कोई दिखाई विखाई नहीं दे रहा। सोच रहा थोड़ी आगे जाके जहाँ पे पेड़ वेड़ है ना वहाँ पे लगाते, तो वहीं पे अपना काम हो जाए, वहीं सूट वूट हो जाए कुछ। तो चलो फिलहाल आगे निकलते, पहले अब यहाँ पे इसके आगे आ गए, यहाँ से एंट्री की थी फिलहाल मैंने, अब आगे मैं इसके आगे। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी यहीं से सीधे जा रहा हूँ यहाँ पर, तो भाई बड़ी कहीं नहीं बहुत तगड़ी वाली धूप है। तो भाई फिलहाल अभी आ गए सीधे मोती झील के बाहर, और भैया जो भी सूट वूट करना था सूट वूट कर लिया, लेकिन भैया अभी रेंगर आइसक्रीम का स्टोर है वहीं पे खड़े हुए, और मेरे को जाना सीधे यहाँ से अशोक नगर पार करके सीधे अपने घर के लिए। और भैया यहाँ बगल में मीजा का स्टोर ही पड़ता है, तो भाई फिलहाल आए थे, और ये भैया अपना पड़ता अशोक नगर चौराहा, ये जवान चौराहा देख रहा हो इसी के आगे भाई इस तरफ पड़ता है मोती झील। तो फिलहाल अभी वहीं से आया था, हमने कहा चलो आप लोग से बात कर लेते, हमको भूल गया था, दिमाग से उतर गया वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। वो अब फिलहाल काफ़ी आगे बात कर रहा है, अब भैया सीधे निकल रहे घर के लिए, ठीक है। तो यार बहुत प्यास लग रही है, पानी वानी पी लिया, अभी रास्ते में कुछ खावा लेंगे फिर सीधे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। तो भाई आज फिलहाल दूसरा दिन, और भैया हो चुका है दोपहर का वक्त, और इस ब्लॉग को मैं दूसरे दिन कंटिन्यू रख रहा हूँ क्योंकि भाई कल रख नहीं पाया था फिलहाल। तो भाई फिलहाल इस समय यार मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, वही लैटरिन वैटरिंग यार बुखार उखार आ रहा है और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उनको ले जा रहा हॉस्पिटल। तो भाई इस कारण मैं कंटिन्यू आज सुबह से नहीं रख पाया, तो फिलहाल अभी उनको हॉस्पिटल के लिए ले जा रहा है। तो चलो फिलहाल अभी गाड़ी बुक करेंगे, गाड़ी बुक करके सीधे उनको ले जा रहा हॉस्पिटल, वहीं पर भर्ती वर्ती कराएँगे, देखते भाई किस तरीके से। उठ उठ पानी नहीं, इनको उठा के बैठा रहे, बैठा बैठो बैठो, उठ ही नहीं पा रही है देखो है। तो भाई ये कंडीशन, भाई उठ के बैठ भी नहीं पा रही, तो इसलिए भाई ले जाना पड़ेगा और जाके दिखाते हैं भैया क्या प्रॉब्लम है। चलो फिलहाल अभी निकल रहे सीधे अस्पताल, अभी निकल रहे सीधे अस्पताल के लिए। तो भाई फाइनली अभी अस्पताल में भर्ती कर दिया भाई, देखो लो टीम बेड पे, और भाई सब डीपी लग चुकी है, और भाई ये देखो होश भी नहीं है, मतलब काफ़ी देर से काफ़ी मतलब तबीयत ख़राब है, इस कारण मतलब सो रही है फिलहाल, अभी तो सो गई, कुछ ड्रिप ड्रिप चढ़ गई। और ये देखो एक चीज़ दिखाते ही, ये भाई मशीन लगी हुई है, एक ऊपर लगी हुई है जिससे भाई हार्ट बीट चेक चलता रहता है। तो भाई आज है फिलहाल दूसरा दिन, और भैया फिलहाल मम्मी को मैंने एडमिट करा दिया और काफ़ी मतलब हालत ख़राब है, तो अभी एडमिट है, उनका थोड़ा इलाज चल रहा है, एडमिट करा दिया। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अस्पताल से सीधे घर के लिए निकल रहा हूँ, और यहाँ से मेरे को पकड़ना है गाड़ी और सीधे निकलना गोविंद नगर के लिए।
ठीक है तो भैया, तो ये फिलहाल ये जो एरिया जो दिखाई दे रहा आप लोग को इस तरफ से, ये पूरा भाई मोती झील का एरिया पड़ जाता है। ये बैक साइड में मोती झील, तो भाई फिलहाल अभी चलते चलते सीधे आ गए भैया, ये राउतपुर क्रॉसिंग के पास है। फिलहाल आगे जा रहे हैं, यहाँ से पकड़ना मेरे को अब दूसरी ट्रेन और सीधे निकलना भैया। कहाँ के लिए? सीधे निकलना दादा नगर के लिए। दादा नगर के लिए देखते भैया कौन सी मिलती है ऑटो, मुझे बढ़ जाएंगे भाई। दादा नगर जाना है, आगे मिलेगी भैया दादा नगर वाली सब आगे। और ये अपनी बगल में रे मोती मॉल यानी कि, चलो भाई दादा नगर वाला पकड़ ले और दादा नगर का पकड़ के सीधे निकलते हम घर। तो भाई फिलहाल अभी पकड़ लिया ऑटो और यहाँ से सीधे निकलेंगे दादा नगर के लिए। तो भैया अभी ऑटो ऑटो अपनी खाली भर रही है और भरने और फिलहाल निकलेंगे। और यहाँ से पड़ी ये मतलब पड़ा ना ये अपना रे मोती बगल ही से बस पकड़ा है उसके बाद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह जाता, यहाँ से होगा 3 या 4 किलोमीटर। ये देखो फिलहाल अपने मेट्रो का काम चलते चलते यहाँ तक बन गया, दादा नगर पुल तक आ गया भैया मेट्रो का स्टेशन पटरी ट्री। अभी आ गया घर और बज रहा है दोपहर के 1:10। तो चलिए इसी के साथ ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।